नमस्कार, क्या आपके मैंगो प्लांट में व्हाइट पाउडर सा स्टेम में या लीव्स में दिख रहा है? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले 2 मिनट में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या ये खतरनाक बीमारी है, क्या इससे आपका मैंगो को प्लांट मर सकता है या फिर आप इस बीमारी से अपने मैंगो प्लांट को बचा सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगा क्या ये व्हाइट पाउडर डिजीज है, क्या बाकी प्लांट से होते हुए पूरे गार्डन में आपकी फैल जाएगी। तो ये सारी जानकारी आपको अगले 2 मिनट में मिलने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और आप हमारे चैनल शशि एंड गौतम किचन गार्डनर्स पर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो और इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन वीडियोस को लाइक करना, उन पे कमेंट करना, उनको शेयर करना बहुत जरूरी है, जिससे कि यूट्यूब को पता चले कि आपकी पसंद क्या है। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैंगो प्लांट की लीव्स और स्टेम पे जो ये व्हाइट पाउडर आप देख रहे हैं, ये लीव्स के नीचे की साइड से शुरू होता है और धीरे धीरे लीव के ऊपर भी आ जाता है, और अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो ये स्टेम पे भी आ जाता है। ये एक प्रकार की फंगल डिजीज है। अगर मैंगो प्लांट की इस व्हाइट पाउडर डिजीज को आप शुरू में ही पकड़ लेते हैं और इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो मैंगो प्लांट में कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता, आपका प्लांट बच जाता है। लेकिन अगर ये डिजीज आप शुरू में नहीं पकड़ पाते हैं, अच्छी तरह से आपके स्टेम लीव्स वगैरह में फैल जाती है, तो ये आपके जो लीफ की जो टिश्यू वगैरह है उसको भी डैमेज करती है। पूरा व्हाइट कवर होने से जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है और प्लांट वीक हो जाता है, और ज्यादा वीक होने से प्लांट मर भी सकता है। ये फंगल डिजीज देखने में वैसे तो बहुत भयानक लगती है, पूरा प्लांट ही आपको जो एक व्हाइट पाउडर से ढक सा जाता है, लेकिन इसका जो इलाज है वो काफी आसान है। इससे पहले भी हमारे गार्डन में जुकनी में और गोवा में ये व्हाइट पाउडर डिजीज का प्रकोप हुआ था। उस समय हमने नीम ऑयल और उसमें एक अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर को ऐड करके हमने स्प्रे किया था और उससे हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे। ये व्हाइट पाउडर की जो डिजीज है इसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। ये प्लांट में जो मिट्टी है या प्लांट जिस नर्सरी से आप लाते हैं वहीं से होकर आती है, वो आपकी मिट्टी में रहती है, और समय जब अच्छी ह्यूमिडिटी हो या प्लांट आप ज्यादा गीला करते हो और टेम्परेचर जो इसका मॉडरेट होता है उस समय फैलती है। नीम ऑयल और लिक्विड फर्टिलाइजर के स्प्रे को आपको हर तीसरे दिन या दूसरे दिन स्प्रे आप यूज करें, स्प्रे करें। इस प्लांट को अच्छे से आप नहलाएं और जहां पे ज्यादा अच्छी तरह से चिपका हुआ है आपके प्लांट या स्टेम में वहां से उसको जो है थोड़ा सा रब करके भी इसको हटाने की कोशिश करें और हर 2 से 3 दिन में स्प्रे करें। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लांट में 4 या 5 स्प्रे के बाद में ये डिजीज आपकी पूरी तरह से निकल जाती है। हाँ, आपको ये लगातार करना, हर 2-3 दिन करना। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो जो बचा फंगस होगा वो दोबारा फिर आपका फैल जाएगा, फिर से आपको शुरू से ट्रीटमेंट करनी होगी। इसलिए इसको रेगुलर कीजिए जब तक ये फंगस आपका प्लांट से पूरी तरह गायब ना हो जाए। अगर आपके मैंगो प्लांट में व्हाइट पाउडर डिजीज ज्यादा फैल गई है तो उस केस में जो ज्यादा इन्फेक्टेड लीव है, जिसके ऊपर नीचे साइड में ज्यादा व्हाइट डिपॉजिट आप देख रहे हैं, उन लीव्स को हटा दें, क्योंकि ये वैसे ही वीक हो चुकी हैं और आपका कुछ ज्यादा नहीं करेंगी क्योंकि इनके टिश्यूज वगैरह में भी डैमेज हो चुकी है, तो इनको हटा दें। अगर इनको आप रखते हैं तो आपका जो रिकवरी टाइम है वो बढ़ सकता है। ये फंगल डिजीज जिसका नाम पाउडरी मिल्ड्यू है, ये प्लांट स्पेसिफिक होती है, यानी कि जो फंगस आपके मैंगो पे अटैक करेगी वो आपके ऑरेंज में नहीं करेगी, जो ऑरेंज में करेगी वो गोवा में नहीं करेगी। ये प्लांट हमारा जो है करी पत्ता और पोमोग्रेनेट के बीच में था, लेकिन करी पत्ते में और पोमोग्रेनेट दोनों में ये डिजीज नहीं आई। ये थी मैंगो प्लांट की पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में पूरी जानकारी और उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में जो आपने नीम ऑयल और ऑल इन वन प्लांट टर्निक लिक्विड फर्टिलाइजर देखा है वो दोनों हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप इसको ले सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब आगे भी दिखाता रहे। नमस्कार।